हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पी फाइजर से रिलेटेड। ओके, पी फाइजर के जैसे कि आज ही हम अर्जी दी है कि हमें इंडिया में वैक्सीन भेज सकते हैं कि नहीं, उसके लिए उसने आगे प्रस्ताव भेजा हुआ है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और बातें करेंगे मेन न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो उससे रिलेटेड ही बातें करनी है। पी फाइजर की बैलेंस शीट भी देखेंगे, कुछ पैरामीटर देखेंगे कि कंपनी किस तरीके की है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वंस अगेन कि हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट, तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और जीरो डिलीवरी चार्जेस है, जो कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पर आप हमारे लिंक पे जाके जीरो जीरो फ्री में डीमैट अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, पी फाइजर ड्रग कंपनी है, किसी मेडिकल कंपनी है, किसी को फार्मास्यूटिकल कंपनी है, किसी को भी हमें यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी किस की है, यूएस की कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। वन डे का चार्ट पैटर्न देखिए नेगेटिव, 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखिए न्यूज़ आई थी तो उसके न्यूज़ के बेसिस पे आजकल काफ़ी भाग रहा है, काफ़ी वॉलीटिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ ही नज़र आ रही है। क्योंकि इसने कोविड से रिलेटेड वैक्सीन तैयार कर ली है, उससे रिलेटेड अगर कभी भी ये शेयर देखिए ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो इसी तरीके का ये पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है ये। और पेंडामिक से पहले लगभग ये शेयर यहाँ पर अगर हम देखें मैक्सिमम 4500 के आसपास, 400 के आसपास चल रहा था। पेंडामिक में लगभग 3600-3500 के आसपास आया शेयर। देखिए अभी फिर 5000 रुपये तक गया था और फिर उसके बाद ये 5900 तक गया था। और काफ़ी अच्छा शेयर भी है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है, हमेशा ऊपर ही ऊपर आता जा रहा है, जाता जा रहा है, पॉजिटिव रिटर्न्स है, काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। बट और ये कोविड से ऐसा भी नहीं है कि कोविड ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद नहीं चलेगा, क्योंकि कोविड से पहले भी ये शेयर देखिए भागा जा रहा था। लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। अगर इसका हम देखें तो 52 वीक लो 3461 है, हाई 5900 है, जो कि 10 नवंबर को बना था। लगभग 39% की डिलीवरीज उठाई गई है, इसी बेस पर डिलीवरीज उठाई जा रही है कि ये कंपनी वैक्सीन से रिलेटेड कंपनी है, तो काफ़ी सारा इसमें शेयर्स में जंप आ सकती है। तो देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो लगभग 63.92% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। ओके, एंड 10 यहाँ पर डिविडेंड भी देखें तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है, 10 रुपीज़ का, 330 रुपीज़ का, 22 रुपीज़ का डिविडेंड 2019 में दिया है। तो काफ़ी अच्छे डिविडेंड ये लिए कंपनी देती आई है और कोई भी शेयर इनका गिर भी नहीं है। बट अभी एक चीज़ हुई है कि पी फाइजर के जो शेयर यहाँ पर जो पी फाइजर के सीईओ है, तो सीईओ ने इस कंपनी से रिलेटेड दो तीन ऐसी न्यूज़ है जो मुझे काफ़ी पसंद नहीं आई। ओके, सो देखिए पहली न्यूज़ तो यही है कि नॉट सीईओ जो पी फाइजर के, उन्होंने कह दिया नॉट सर्टेन ऑन वेदर कोविड वैक्सीन स्टॉप ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन को ये रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी ये अभी तक सर्टेन नहीं है। इन्होंने अच्छी तरीके से अभी इस बट जल्दबाजी में इन्होंने अपनी जो वैक्सीन है उतार दी है, काफ़ी कंट्रीज ने यहाँ पर अप्रूव भी कर दिया है एमरजेंसी। तो जैसे कि अभी ये खुद ही कंफर्म नहीं है, क्योंकि मॉडर्ना ने जब ये वैक्सीन लाई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी कंपनी 95% तक कारगर है। इनसे पहले इन्होंने अनाउंस किया था 1-2 दिन पहले, तो इन्होंने कहा था कि हमारी 90% तक है। बट जैसे ही मॉडर्ना ने किया अनाउंस कि हाँ हमारी कंपनी की जो वैक्सीन है 94% तक कारगर है, तो इन्होंने भी अगले दिन स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि हमारी कंपनी का भी 95% तक कारगर है। तो ये इनको खुद ही नहीं पता कि क्या है एग्जैक्टली, ये अब किसी भी चीज़ से लेके सर्टेन है ही नहीं। इन्होंने जल्दबाजी में ही ये वैक्सीन उतार दिया है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें तो देखिए पी फाइजर बिकम फर्स्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया टू सीक एमरजेंसी यूज़ नॉट फॉर इट्स कोविड-19 वैक्सीन। तो वैक्सीन को बेचने के लिए इंडिया में यहाँ पर एमरजेंसी यूज़ के लिए इन्होंने भेजा गया है, प्रस्ताव भेजा है कि हम इसे भारत में भेज सकते हैं कि नहीं। तो ये DCGEI से रिक्वेस्ट की गई है, तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं, जब भी पता चलेगा तो हम आगे वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और कोरोना देखिए यूके से रेडी हो गया है और एक दो कंटीन बहुत जल्दी शायद रेडी भी हो जाएगा। उन्होंने इसी तरीके से यहाँ पर प्रस्ताव भेजे हुए हैं टू एमरजेंसी यूज़ के लिए ऑफ देयर वैक्सीन।
एक बात हो गई, और सबसे मेन बात जो ये है, सबसे मेन बात देखिए ये है, पी फाइजर सीईओ जो इनके सीईओ है ना, उन्होंने 5.6 मिलियन डॉलर, ओके लगभग 35-40 करोड़ रुपए के आसपास होते, तो उन्होंने जिस दिन अनाउंस की गई थी वैक्सीन, वैक्सीन को जिस दिन अनाउंस किया था उसी दिन इन्होंने अपनी ये जो पी फाइजर की जो स्टॉक्स है, जो इनके शेयर्स है, वो सारे के सारे सेल आउट कर दिए। ओके कह रहे, ये कह रहे कि हम, मैंने एक साल पहले ही कह दिया था कि ब्रोकर को कि हमारे सारे के सारे शेयर्स बेच दिए जाए इस तारीख को, इस तारीख को नहीं, अगर इतने प्राइस पर ये आता है तो उतने प्राइस पर आया तो इन्होंने उनके स्टॉक को बेच दिया। बट ऐसा नहीं होता, अगर इन्हें देखिए सीईओ है तो इनसाइड की न्यूज़ इन्हें ऑलरेडी पता होगी, ऑलरेडी इन्हें अगर न्यूज़ पता होगी तो इन्हें पता भी होगा कि ये शेयर, अगर हम आज बता रहे हैं कि अगर हम कोविड वैक्सीन बना रहे हैं और आज ही हम अनाउंस कर रहे हैं तो ये शेयर भागना है, तो बट उन्होंने अपना शेयर उसी में बेच के चुपचाप निकल गए। ओके और वो भी कितना, 1.5 मिलियन डॉलर, लगभग 60% स्टेक्स इन्होंने अपना बेचा था, तो जो कि अच्छी बात मुझे नहीं लग रही। ओके और इन्होंने अभी यहाँ पर काफ़ी, जैसे कि यूके में इन्होंने शुरू कर दिया टीकाकरण, ओके इंडिया में अभी परमिशन मांगी गई है, दूसरी कंट्रीज़ में मांगी गई है, तो वो मिलती है या नहीं मिलती, बट काफ़ी सारे पॉइंट्स, ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि ये अगर इस शेयर में हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इस, वो भी इस प्राइस पे, फॉर इसके लिए कि वैक्सीन आ जाएगी इंडिया में भी और ये भागेगा, तो मुझे लगता है कि अभी इस कंपनी में मैं पर्सनली तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो हमारी इंडिया में ही 3-4 वैक्सीन बन रही है, तो हम अगर इंडिया में वैक्सीन लगाएंगे भी तो वो वैक्सीन लगाएंगे जो इंडिया के थ्रू बन रही है, जैसे कोवैक्सीन बन रही है, ओके एक दो वैक्सीन और बन रही है, भारत बायोटेक से रिलेटेड, भारत इम्यूनो कंपनी है वो भी बना रही है, तो ऐसी ही कंपनीज बना रही है, तो ऑब्वियसली बात है हम उसकी तरफ ध्यान देंगे, ना कि पी फाइजर की तरफ ध्यान देंगे, अगर बात आत्मनिर्भर भारत की चल रही है तो। इसलिए ये 2-3-4 पॉइंट्स थे जो कि मुझे खटक रहे थे पी फाइजर कंपनी से रिलेटेड, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और दूसरी बात ये कि इसकी बैलेंस शीट देखी जाए तो बैलेंस शीट काफ़ी बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए रिजर्व्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, लगभग 3350 करोड़ के रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग लगभग 89 करोड़ रुपीज़ का है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2.5 करोड़ रुपीज़ का है, ओके एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए जो कि कंटिन्यूस बढ़ता है, 1000 करोड़ रुपीज़ से लेकर लगभग 2200 करोड़ रुपए के इनके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर बोनस की बात की जाए, 4 बार बोनस भी दिया है, डिविडेंड यील्ड कंटिन्यूस देती आ रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये 63.92 63.92 आज के हम आज तक है, कोई भी प्लेज नहीं है शेयर। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, 3.69 की हिस्सेदारी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगभग 19.11% की हिस्सेदारी है, ओके म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी, अदर DIIs सब ने हिस्सेदारी इसमें खरीद रखी है, और रिटेल इन्वेस्टर ने भी लगभग 13-14% की हिस्सेदारी यहाँ पर रख रखी है, तो कंपनी हर तरीके से अच्छी है। बट अगर और ये एक थोड़ी अनसर्टेन न्यूज़ है जिसके रिलेटिव मुझे लगता है कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और देखिए वॉरेन बफेट ने भी यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, बट वो US में किया है, तो US में इन्वेस्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर का शेयर पी फाइजर जो यहाँ पर लिस्ट है ये भागे, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर और इन पहलुओं पर, इन न्यूज़ पर जरूर ध्यान दीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज एंजल ब्रोकिंग में अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो लिंक नीचे दे रखा है, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।